नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल पलवल में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सरकार एसवाईएल नहर का पानी प्रदेश में लाकर रहेगी। इसके लिए सभी प्रकार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता किसानों को पानी देना है, ना कि राजनीति करना। इसी के चलते प्रदेश में जितना भी पानी उपलब्ध है, किसानों को टेल तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर पलवल में 17 घोषणाएं करते हुए करोड़ों रुपए की सौगात पलवल के क्षेत्र के लोगों को दी। सुने मुख्यमंत्री ने पलवल में क्या कहा। हमारी हमदर्दी है किसानों के साथ। पहले तो पानी, हमने टेल तक पानी पहुंचाया है। जिन नहरों में 25-25 साल से पानी नहीं आता था, ऐसी 300 टेल में हमने पानी पहुंचाया है। पानी वही है जितना पहले है, कोई और भड़के नहीं आया। प्रबंधन ठीक किया है, जहां वेस्ट जाता था उस वेस्ट को ठीक किया है। जहां पानी नहीं चाहिए वहां से कम करके जहां पानी चाहिए वहां दिया है। हमने नहरें ठीक की हैं, नालियां ठीक की हैं, जो रजवाए हैं उनको ठीक किया है, और जहां पानी चोरी होता था उसको भी रोका है, तो इसलिए उन जगह पानी पहुंचा है। बात रही, एक पार्टी एसवाईएल का बड़ा गुणगान गाती है और दक्षिण हरियाणा में आके खूब करती है शोर, राजनीतिक मुद्दा लेके वो चलते हैं। पहली बात तो एसवाईएल का विषय, 10 साल तक इन्होंने जो राष्ट्रपति के यहाँ जो इसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इस नाते से रुका हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट जा करके अर्ली हियरिंग करके उसके ऊपर सुनवाई कराई, और सुनवाई कराने के बाद आज वो फैसला हो गया कि एसवाईएल बनेगी, हरियाणा को उसको पानी मिलेगा। लेकिन अभी पंजाब कुछ अड़ा हुआ है, कुछ हमारे कोर्ट का भी एक फैसला आना बाकी है, उस पर बातचीत चल रही है कैसा रास्ता निकले। मेरा कहना वो जब निकले सो निकले, उससे पहले हमने लखवार डैम का समझौता करके उसका 47% पानी, 800 क्यूसिक पानी वो हमको मिलेगा। इसी प्रकार रेणुका डैम, उसका पानी हमें भी मिलेगा, दिल्ली को मिलेगा, दिल्ली को जो हम ज्यादा पानी दे रहे हैं वो हमारा बचेगा। जगह जगह के पानी की व्यवस्था है, हांसी उठाना इसके हम पीछे लगे हुए हैं। रावी का पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर को ज्यादा मिल जाए तो शायद पंजाब थोड़ा एसवाईएल पर ढीला होकर के जल्दी हमको दे दे। तो ये सारे रीजन की हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। राजस्थान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, कुछ उन्होंने हमें देना है पानी, कुछ हमने उनको देना है, तो एक समझौता करके उनके साथ भी हो जाए। आखिर पड़ोसी राज्य है, वो भी तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने प्रदेश हैं, हमारी कोई युद्ध नहीं करना इसके लिए। इसके लिए समझौते करके हमको सारे विषय निकालने हैं। इसलिए मित्रों, इन सब बातों पर आप लोगों को जागरूक रहना है, किसी के भ्रम में नहीं आना है। हम पानी की पूरी व्यवस्था, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, और बाकी जितना उपयोग है, इंडस्ट्री को है या हाउसिंग को है, सारा उपयोग का पानी उनका पूरा करना, ये हम पूरा कर रहे हैं, और जहाँ कमी है उसको हम पूरा करेंगे।